और ये खोलेगा हनुमान जी का मंदिर। ये देखो आप बिल्कुल खड़ा है ना, मिट्टी का पहाड़ है और भाई इधर से हम उतर रहे हैं। और दोस्तों भाई एडवेंचर हो गया देखो तगड़े वाला। जय श्री राम। और दोस्तों भाई अपन देखो खोड़ेगढ़ मान जी आ चुके हैं, क्योंकि खोड़ेगढ़ मान जी आए हैं तो फिर मैं देखा यार चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं आप लोगों के लिए। और भाई पीछे में खोड़ेगढ़ मान जी का मंदिर, तो हम दर्शन करके आ चुके हैं और आप दर्शन करो। हाँ तो भाई आपको खोड़ेगढ़ हनुमान जी महाराज के देखो दर्शन करवा दिए हैं, अब चलते हैं अपन वैष्णो देवी के लिए, जो कि है ना उस पहाड़ी पे मंदिर शेरावाली मैया का। तो भाई आज उस पहाड़ी पे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों ये तो जा रहा है देखो खोड़ेगढ़ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और इधर पास ही में से ये जा रहा है रास्ता शेरावाली मैया के दर्शन करने के लिए। तो आप देखो वीडियो पे बने रहो और आपको दर्शन करवाते हैं। बाकी सुबह का समय है अभी, बहुत ही सुंदर और भगवान के हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, अब माता जी के दर्शन करेंगे। और मंदिर बहुत विशाल है और बहुत ही सुंदर है। खोले के हनुमान जी में सुहामणि करते हैं जिनके लिए, देखो यहाँ पे दाल बाटी चूरमे की प्रसादी बनती है, रसोईया है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ देखो ये रास्ता है, देखो माता की माता श्री वैष्णो देवी का मंदिर, ये इधर से रास्ता जा रहा है। और समय देखो, समय सारणी भी लिखी है, और प्राकृतिक से भी जुड़ा रहने का एक अनुभव अलग ही मिलेगा। और दोस्तों ये जा रहा है अपने देखो शेरावाली मैया के दर्शन करने के लिए रास्ता, जो कि आगे में देखो काफ़ी भक्तजन जा रहे ऊपर। और चढ़ाई चल्लू हो चुकी है भाई, क्योंकि माता जी तो सभी है ना पहाड़ियों पे जाके बैठते हैं, और ये चढ़ाई चल्लू हो चुकी है। और भाई अभी तो ठंडा मौसम है, धूप निकल जाएगी, धूप निकलने से पहले जाके आ जाते हैं, लेकिन भाई धूप तो निकल चुकी है लगभग, पहाड़ी पे तो दिख ही रही होगी आपको धूप। और छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। जय करा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। और दोस्तों देखो खोल रखे हनुमान जी का मंदिर, बाकी आपको ऊपर से है ना दिखाएंगे भाई, बहुत ही सुंदर लगेगा जो ऊपर से आप देखोगे ना, दर्शन करोगे बहुत आनंद आएगा। लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से यार, लाइक नहीं करते जय श्री राम कमेंट में लिख दो भाई, और जय माता की, जय माता की। और सीढ़ियाँ भाई हैं, सांस फुलाने वाली सीढ़ियाँ हैं। और माँ शेरावाली मैया के दर्शन करिए, जो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। और तीनों पिंडियाँ भी हैं, लक्ष्मी माता, काली माता, सरस्वती माता की। और माँ देखो कितने सुंदर रूप में है यहाँ पे, और मंदिर भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और इससे पहले आए थे ना जब ये पूरा बना हुआ था, छपा हुआ था, लेकिन अभी है ना यहाँ पे मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। ये देखो आप RCC का पूरा, ये लोहे के सरिये लगे हुए हैं, ये पिलर कॉलम खड़े होंगे सारे, फिर उसके बाद में RCC डलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। और आपको देखो यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि अपन पहाड़ी पे हैं, और ये व्यू देखो आप कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखो आप। मोर की आवाज़ सुनिए आप, कितनी सुंदर मोर की आवाज़ आ रही है, बाकी प्राकृतिक का भी कोई जवाब नहीं है यार, है ना। और भाई इसमें है ना तेंदुए वगैरह भी हैं जंगलों में, और वो देखो पूरा वो ऊपर में गढ़ गणेश जी का मंदिर, और ये है जयपुर सिटी। और आपको दिखाते हैं गढ़ गणेश जी का मंदिर, और वो पहाड़ी पे है देखो गढ़ गणेश जी का मंदिर। और दोस्तों देखो आपको ना माता जी के इतने सुंदर दर्शन करवाए हैं, और हमने भी किए हैं और आपको भी करवाए हैं। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो आप, प्राकृतिक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब बाकी अपना ना भाई दूसरे रास्ते से चलेंगे, आए जिस रास्ते से आए ना उस रास्ते से नहीं, अपन दूसरे रास्ते से चलेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं।
और जिस रास्ते से अपन गए थे ना माता जी के दर्शन करने के लिए, अपन पीछे वाले रास्ते से दूसरे रास्ते उसे उतर रहे हैं जो कि इधर में ना पार्किंग का रास्ता है, ये वहाँ जाके उतरेगा पार्किंग के अंदर। बाकी है ना भाई बहुत ही, आओ आप भी आओ खोड़ागढ़ मंदिर, आओ तो माँ शेरावाली के मंदिर पर जरूर आओ, अलग ही अनुभव मिलेगा आपको, बहुत सुंदर। अब भाई वो तो देखना पड़ेगा अपन को किधर से जाना है, क्योंकि भाई अपने इधर से कभी उतरे नहीं है, रास्ते का पता नहीं है अभी किधर क्या है, थोड़ा देखना पड़ेगा कि किधर से रास्ता है। और भाई अभी तो देखो देखो पत्थर ही पत्थर पड़े मोटे मोटे, अरे भाई ये तो नहीं है यार, ये देखो गेट लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, अरे भाई पता नहीं है अब किधर क्या जाएगा। और दोस्तों थोड़े कंफ्यूज है भाई किधर से जाना है, क्योंकि अपने को है ना कोई मार्ग चिन्ह मिल नहीं रहा, वैसे मेरे हिसाब से तो है ना ये होना चाहिए, क्योंकि पगडंडी जैसा बना हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हो कि जंगल में अरे भाई तेंदुआ मिल जाए भी हो सकता है, लेकिन माता रानी साथ है तो भाई फिर डरने की क्या बात है। जय माता की, जय माता की। और देखो यहाँ पे ये पक्षियों के लिए जानवर के लिए पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, मुझे लगता है भाई इधर से ही होगा रास्ता। तो खोलेगन मान जी के दर्शन करने के लिए आए थे भाई, ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा यार चलो खोलेगन मान जी के भी दर्शन करवाते हैं आपको, और शेरावाली मैया के भी दर्शन करवाते हैं। और भाई ये पूरा घना जंगल है जिधर से हम जा रहे हैं, वैसे तो ये इस तरफ से भी है ना भाई पगडंडी मार्ग बना हुआ है ऐसे, बस ये कि थोड़ा सावधानी से जा सकते हैं, बाकी क्या रास्ता भी भटक सकते हैं, लेकिन इतना वो नहीं है, क्योंकि भक्त लोग आते जाते रहते हैं ना, तो रास्ते में ज़रूर से मिल जाएंगे, माता रानी की कृपा से कोई भी दिक्कत नहीं आती है भाई, और है ना भक्त लोग तो मिल ही जाएंगे रास्ते में। तो जय माता की। और उस वाले रास्ते से अकेले ना आए, कोई साथ हो दो तीन जने हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ सकते हो आप। तेंदुए वगैरह भी रहते हैं पहाड़ी के ऊपर, ये पहाड़ी गलता जी से जाके मिलती है। अरे प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, आवाज ना आई जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों को, तुम मत देखो अपने पैर के छालों को। और दोस्तों 28 जून को भाई वैष्णो देवी पैदल यात्रा जाएगी जयपुर से कटरा शेरावाली मैया के वैष्णो देवी, तो देखते हैं माता रानी की कृपा होगी तो भाई पैदल यात्रा में सम्मिलित होंगे, और माता रानी से प्रार्थना करते हैं भाई, मेरा काफ़ी मन है इस बार भी माता से प्रार्थना भी करते हैं कि भाई पैदल बुला ले माता रानी। अब देखते हैं माता रानी पैदल बुलाती है या अपनी राम प्यारी अपनी जो बाइक है उससे बुलाती है, ट्रेन से बुलाते हैं या फिर कार से, जैसे होगा माता रानी बस बुला ले, चाहे पैदल बुला ले चाहे कार से बुला ले चाहे एरोप्लेन से बुला ले, लेकिन भाई वैष्णो देवी बुला ले एक बार, क्योंकि तो बहुत टाइम हो गया यार वैष्णो देवी गए। और भाई पैदल यात्रा नहीं देखी क्या आपने वैष्णो देवी की, तो भाई पैदल यात्रा भी देखना, आप वैष्णो देवी की पद यात्रा करी हुई है, मैंने 3 यात्रा की है और हमारे पिताजी ने लगभग 9 यात्रा की है पैदल जयपुर से, और मैंने 3 यात्रा की है पैदल जयपुर से वैष्णो देवी, और जो कि वो ब्लॉग है ना मेरे फर्स्ट टाइम के बनाए हुए हैं, उन वीडियो को भी जो बनाए हुए शेरावाली के ब्लॉग बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं, उस टाइम का अलग ही एक्सपीरियंस था और अभी का अलग ही एक्सपीरियंस है, पहले इतना समझते नहीं थे यूट्यूब के बारे में, तब ब्लॉग बना के डाले थे, बाकी आप कभी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नॉलेज से जानकारी से ब्लॉग बना के दिखाएंगे। आप भी प्रार्थना करो कि आपका भाई है ना वैष्णो देवी पैदल यात्रा के अंदर चला जाए, और जाएगा आपका भाई तो भाई बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के डालेगा पैदल यात्रा के। और दोस्तों देखो ये अब आ चुकी है मिट्टी, और मिट्टी की पहाड़ी से नीचे उतरेंगे और ये खोलेगा हनुमान जी का मंदिर, और भाई अभी इधर उतरेंगे और भाई यहाँ उतरने का भी अलग ही अनुभव आएगा, देखो आप बिल्कुल खड़ा है ना मिट्टी का पहाड़ है, और भाई इधर से हम उतर रहे हैं, और आपके भाई ने ना भाई
जूते नहीं पहने में बढ़िया है क्योंकि जूते के अंदर मिट्टी चल जाती, क्यों और क्या, और चप्पल पहन के आया तो भाई चप्पल टूटने का डर लग रहा है ऐसा लग रहा है कि पैर मिट्टी के अंदर जाके और भाई चप्पल नहीं टूट जाए अपने यार गरीब आदमी की। नहीं भाई गरीब नहीं है, गरीब तो गधा होता है, मेहनत करने वाला है यार, मेहनत करके खाते है भाई। क्यों मेरी नजर में ना, अब ऐसे कमेंट मत करना कि भाई क्या बोल रहे हो, बाकी मेरी नजर में ना भाई गरीब गधा होता है, बाकी जो हाथ पैर चला के चाहे कैसी भी मजदूरी मेहनत करके पैसा कमा के अगर खाता है ना, एक लाचार जो है उनकी बात नहीं कह रहा मैं, जो विकलांग है उनकी बात नहीं कह रहा, बाकी जिनके चारों हाथ पैर सही सलामत है ना और जो भीख मांग के खाते हैं ना वो गधे हैं, बाकी जिनके हाथ पैर है ना सही सलामत उनको तो भाई मेहनत करके खानी चाहिए, चाहे मेहनत मजदूरी करनी चाहिए हमारे जैसे, हम भी तो मेहनत करते हैं ना, मजदूरी करते हैं यार, मजदूर आदमी है यार। और भाई ये देखो आप, अलग ही एक्सपीरियंस है इधर का, नहीं तो देखो भाई पूरा खड़ा मिट्टी का पहाड़ है, और ये देखो आप खोले के हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करिए, जो कि आपको दर्शन करवा चुके हैं, और ये रौनक आ रहा है देखो, आ रहा भाई है ना, गजब टीला है भाई, मिट्टी देख कैसे जा रही है ना। अब ये पाइप आ गया यार, पाइप को पकड़ के मंगाल दे भाई, अरे मुझे तो यार मेरी चप्पल टूटने का डर लग रहा है यार मेरी मतलब भाई चप्पल नहीं टूट जाए बस, अरे अरे यार पूरे देख चप्पल ही भाई, अरे गए रे गए अरे कह रहे हो ब्रेक को लाग रहे हो, अरे ब्रेक को लाग रहे हो कोड़ी ना का अरे मत। और दोस्तों भाई एडवेंचर हो गया देखो तगड़े वाला भाई, अरे अरे चप्पल कोड़े गई, और दोस्तों अपनी चप्पल भाई पता नहीं कहाँ गई मिट्टी के अंदर, देखो अलग ही खतरनाक, अरे यार यही थी यार, पकड़ जो पकड़ चप्पल तो ढूंढ पा था, और दोस्तों इसके अंदर देखो चप्पल पता नहीं कहाँ दब गई यार, विक्रम भैया चप्पल ढूंढने गए हैं चप्पल तो निकाल पाते यार अरे चप्पल ने कौन लेगो अबे मिट्टी आई जा रही है यार आई जय माता की, और दोस्तों एक चप्पल मिल चुकी है भाई, एक पंडित जी अरे कोड़ा गई, विक्रम भैया चप्पल ढूंढ रहे देखो एक चप्पल, एक चप्पल मिल चुकी है, चप्पल भी बेकार है, एक चप्पल और ढूंढ रहे, क्योंकि दोस्तों एक चप्पल अगर नहीं मिली ना तो दूसरी चप्पल का कोई मतलब नहीं है यार, गई चप्पल अंडे आगे देखो आगे खड़ी हो जाए, अरे आची अरे दोस्तों यार जूते पहनिए थे तो सही रहता, मिट्टी तो घुसती जूतों में, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था अचानक से आए घोड़े के हनुमान जी, अरे भाई चप्पल का गायब हो, अंडे देखो यार अंडे हो जाते तो बंद कर तो मंद। और दोस्तों ताजुब की बात है, एक चप्पल मिल गई दूसरी चप्पल मिल ही नहीं रही, और भाई देखो हमने कितनी मिट्टी हटाने की कोशिश की है, लेकिन वो वहाँ से हटाते तो मिट्टी है ना ढेढे के आ जाती है, और भाई चप्पल तो गई, चलो कोई बात नहीं नंगे पैर चलते हैं, माता रानी की यही कृपा होगी भाई, क्या मालूम इसमें भी अच्छा होगा, क्योंकि अपन हमेशा देखो पॉजिटिव रहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और चप्पल अब नंगे पैर ही चलेंगे, ये देखो जय माता की। और दोस्तों है ना बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बाकी देखो एडवेंचर भी हो गया आज, माता रानी के दर्शन भी किए, और भाई पहाड़ी के रास्ते से जहाँ से उतरे ना आपके भाई की है ना चप्पल भाई मिट्टी के अंदर ही दबके घूम गई, एक मिल गई तो दूसरी घूम गई तो दूसरी तो बेकार हो गई ना। तो होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि भाई अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, और कमेंट में लिख दो भाई जय श्री राम जय माता की।
ठीक है भाई, राम राम। और दोस्तों भाई चप्पल घुमा के भी है ना जो खुशी मिल रही है ना वो नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत आनंद आया भाई। और देख लो आपको सबूत दिखा देते भाई, नंगे पैर ही जा रहा आपका भाई, देख लो नंगे पैर।